मित्रों नमस्कार, द डिवाइन सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष राशि ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ऐसे कौन से प्लैनेट रहे जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी आजीवन कुंवारे रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, जिससे आपको मैं आप सारी चीज़ें आपको बता सकूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 सुबह 5:45 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी जन्म कुंडली जो बनती है उसमें लगन वृश्चिक लगन और राशि भी वृश्चिक ही बनती है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की शादी के लिए सप्तम भाव, जिसको हम सेवंथ हाउस भी बोलते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके जो सपोर्टिंग हाउसेज होते हैं वो 2, 5 और 11 होते हैं। तो यदि हम बात करते हैं इस कुंडली के बारे में, वो वृश्चिक लगन की कुंडली में सातवां जो भाव बनता है वो बनता है वृष राशि का। वृष राशि की जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में हम देखें तो शुक्र सप्तम भाव का स्वामी पहले घर में बैठा हुआ है सूर्य चंद्रमा के साथ। यानी कि उनका प्रेम तो होगा और वो प्रेमी व्यक्ति तो होंगे, लेकिन इसके लिए जो सपोर्टिंग हाउसेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पंचम भाव, द्वितीय भाव और उसके साथ साथ सेकेंड हाउस। तो हम देखते हैं कि सेकेंड हाउस का जो घर है उनका, उसके अंदर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, जो कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी हुई है। तो हम देखते हैं कि सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ना, इसका मतलब ना तो उनका विवाह होगा और ना ही वो वैवाहिक सुख के भागी बनेंगे, जो कि हम सामाजिक तौर से कह सकते हैं। अब यदि हम बात करें उनके प्रेम विवाह की, कि क्या उनका प्रेम होगा, तो हम देखते हैं कि पंचम भाव जो इस कुंडली में बनता है वो बनता है मीन राशि, और वहां पर मंगल ग्रह विराजमान है। तो मंगल ग्रह भी प्रेम तो कराएगा, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक प्लेनेट होता है, मन में तो रहेगा, लेकिन क्योंकि मंगल ग्रह एक सेपरेटिव प्लेनेट भी है, तो हम देखते हैं कि इस मंगल ग्रह के होने के कारण उनका संबंध विच्छेद हो गया। और यदि मंगल की दृष्टि की हम बात करें, सप्तम जो दृष्टि बनती है मंगल की 11वें घर में पड़ती है, तो वो भी उनके प्रेम संबंध को होने नहीं देगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली के अंदर विवाह से संबंधित जितने भी ग्रह और भाव कारक बनते हैं, यानी कि रेस्पॉन्सिबल हैं, वो सब डैमेज हैं, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं कि प्रभावित हैं, जिसकी वजह से उनका सामाजिक विवाह नहीं हो पाया। अब हम जो एक विषय आता है प्रेम के बारे में, कि क्या अटल जी का प्रेम हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अटल जी जब 1940 में ग्वालियर के विक्टोरिया पब्लिक कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ उनका मन राजकुमारी कौल पर आ जाता है, और राजकुमारी कौल भी उनको प्रेम करती है। लेकिन क्योंकि वो ऐसा समय था जब महिलाओं से बात करना बड़ा ही असभ्य माना जाता था हमारे देश के अंदर,
तो अटल जी भी उनको प्रपोज नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि वो राजकुमारी कौल से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज की जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर एक प्रेम पत्र लिखा और किसी किताब में रख दिया, और वह जो प्रेम पत्र था, राजकुमारी कौल भी क्योंकि उसी कॉलेज में पढ़ती थी, वो भी लाइब्रेरी में आती थी, उन्होंने उस प्रेम पत्र को पढ़ा, और लेकिन जब राजकुमारी कौल ने अटल बिहारी वाजपेयी से शादी करने की बात अपने घर में कही तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि राजकुमारी कौल के परिवार को लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनका परिवार ज्यादा उच्च कुल का है, और यहीं से एक जो प्रेम संबंध था, एक प्रेम था, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन अटल जी क्योंकि भावुक थे, और इतने भावुक थे कि वो राजकुमारी कौल को बहुत प्यार करते थे, जब उन्हें लगा कि उनकी शादी राजकुमारी कौल से नहीं हो सकती तो वो आजीवन कुंवारे रहे। लेकिन फिर ग्रहों ने अपना रोल प्ले किया और राजकुमारी कौल की शादी जिस व्यक्ति से होती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनके आते हैं, और राजकुमारी कौल भी उन्हीं के साथ आती है। जब अटल जी को यह बात पता चलती है और राजकुमारी कौल को यह बात पता चलती है तो दोनों ने मिलना शुरू कर दिया, और जब दोनों ने मिलना शुरू किया तो दोनों साथ में रहने लगे, और राजकुमारी कौल के हस्बैंड को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अटल जी मुरारजी देसाई की सरकार में जब मंत्री बने तब उन्हें लुटियन जोन में जो घर रहने को मिला था उसी में राजकुमारी कौल अपने पति और बेटी नमिता के साथ वहां पर आ जाती है, और जीवन भर फिर उनके साथ रहती है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वो उन्होंने कभी साथ फेरे नहीं लिए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि राजकुमारी कौल और अटल बिहारी वाजपेयी जी काफी करीब थे। तो ये जो उनकी प्रेम कहानी रही और अंत तक राजकुमारी कौल का जब डेथ हुई उनकी 2014 में, वो अंतिम समय तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सेवा करती रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत पहले राजकुमारी कौल की पुत्री नमिता कौल को गोद ले लिया, और दोनों परिवार एक ही साथ रहते थे। तो मित्रों, ये थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की अधूरी प्रेम कहानी, या मैं ये कहूँगा कि एक फिल्म आई थी जिसमें था बिन फेरे हम तेरे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और राजकुमारी कौल रहते तो परिवार की तरह थे लेकिन सामाजिक तौर से वो विवाहित नहीं थे। मित्रों, आपको मेरा ये ज्योतिष
यह विश्लेषण यदि पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाले इसी प्रकार के सब्जेक्ट्स को मैं ग्रह नक्षत्र, दिशा गोचर और आध्यात्मिक रूप में लेकर आपके सामने आऊंगा। आज के लिए केवल इतना ही, एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर दोबारा मिलूंगा। यदि वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।